सीधे रुख बड़ी खबर का रोहतक से, जहां बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक जारी है। रोहतक में बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक चल रही है, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला कर रहे हैं। प्रदेश संगठन महामंत्री सुरेश भट्ट भी इस बैठक में मौजूद हैं और प्रदेश के कई अन्य पदाधिकारी भी बैठक में शामिल हैं। तो बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की ये अहम बैठक चल रही है। रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर, ये बैठक जारी है, यहाँ प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। प्रदेश संगठन महामंत्री सुरेश भट्ट भी इस बैठक में मौजूद हैं। प्रदेश के कई अन्य पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको रोहतक से बता रहे हैं, जहां बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की अहम बैठक जारी है और इस बैठक की अध्यक्षता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला कर रहे हैं। तो प्रदेश संगठन महामंत्री सुरेश भट्ट भी इस बैठक में मौजूद है और साथ ही प्रदेश के कई अन्य पदाधिकारी भी बैठक में शामिल है और ये अहम बैठक चल रही है। प्रदेश के कई अन्य पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल है। रोहतक से संवाददाता हर्षवर्धन सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर्षवर्धन, ये अहम बैठक चल रही है, सुभाष बराला बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, क्या है एजेंडा? देखिए, मैं ये आपको बता दें कि डिस्ट्रिक्ट से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश स्तरीय बैठक जो है रोहतक में शुरू हो चुकी है और उसके अंदर प्रदेश के जो अध्यक्ष सुभाष बराला और संगठन मंत्री जो है सुरेश भट्ट, तो जो परिवहन मंत्री है मूलचंद शर्मा वो भी यहाँ पे आएंगे और जो महिला बाल विकास एवं कल्याण मंत्रालय है कमलेश डांडा वो भी इस बैठक के अंदर शामिल होंगी। इसके अलावा प्रदेश के जितने भी तमाम पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में हिस्सा लेंगे और इस बैठक का मेन मुद्दा सिर्फ जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के और नागरिक संशोधन बिल को लेकर के जिस तरह के पद यात्राएं निकाली है उन सभी के ऊपर जो है मंथन किया जाएगा इस बैठक के दौरान। जी मनीषा, बिल्कुल। कब तक ये बैठक चलेगी हर्षवर्धन और कौन कौन और अहम सदस्य इस बैठक में शामिल है? देखिए, आपको बता दें कि लगभग जो है तकरीबन 2:30 बजे तक इस बैठक का दौर चलेगा, क्योंकि उसके बाद जो है प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जो है वो एक पत्रकार वार्ता को भी संबोधित करेंगे। उसी दौरान ये पता लग पाएगा कि बैठक के अंदर किन किन मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई है और आगामी आने वाले समय में किन किन मुद्दे हैं उनके ऊपर रणनीति तैयार की गई है, क्योंकि सबसे अहम जो मामला चलेगा जहां तक मुझे उम्मीद है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा के चुनाव बिल्कुल सिर के ऊपर है, तो ऐसे में लेकर की भाजपा नहीं चाहती कि दिल्ली के अंदर उन्हें फिर से कहीं ना कहीं करारी हार का सामना करना पड़े, तो हो सकता है उस बैठक के अंदर ये मुद्दा मेन रहेगा। जी मनीषा, बिल्कुल, ये मुद्दा अहम रहने वाला है और साथ ही लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी मुझे लगता है कि हर्षवर्धन इसमें बातचीत की जाएगी, क्योंकि लगातार जो विपक्षी पार्टी है वो अब सवाल लॉ एंड ऑर्डर पर उठाते हैं, तो उसको लेकर भी मुझे लगता है उसको दुरुस्त करने के लिए बैठक में कोई ना कोई बातचीत, कोई ना कोई मसला इसका भी उठाया जाएगा। हर्षवर्धन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी मनीषा, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी इस बैठक में बातचीत हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं बीते दिनों में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति दिख रही है, जिसको लेकर लगातार विपक्षी सवाल उठा रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं उस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए भी बैठक में बातचीत की जा सकती है। देखिए, कानून व्यवस्था के सवाल के ऊपर लेकर जिस तरीके से विपक्ष जो है बारी बारी सवाल उठा रहा है, हालांकि इस बैठक में चर्चा होने की संभावना तो नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा समय आ सकता है कि इस मुद्दे को लेकर की भी चर्चा में शामिल किया जाए, लेकिन बीजेपी के सामने सिर्फ एक ही मेन मोटो है, दिल्ली विधानसभा चुनाव में किस तरीके से जीत हासिल की जाए। हालांकि अभी ये भी क्लियर नहीं हो पाया कि जेजेपी के साथ गठबंधन के साथ बीजेपी लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, या जेजेपी गठबंधन करेगी या नहीं करेगी, तो इस मामले को लेकर के जो है काफी कशमकश की स्थिति यहाँ पर है और मेन जो इनका मुद्दा रहेगा वो सिर्फ दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के रहेगा। यानी हर्षवर्धन, दिल्ली विधानसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर क्या कुछ स्थिति बन सकती है, मुख्य रूप से इस बैठक में उसी पर चर्चा की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी की अहम बैठक चल रही है, प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, जहां बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक चल रही है। प्रदेश संगठन महामंत्री सुरेश भट्ट और साथ ही कई अन्य पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल हैं।